भगवान राम की नगरी में आपका स्वागत है। रैंडम सी ट्रिप है, पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं था। मैं और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि इस बार हम जाने वाले हैं एक नई जगह पे। वैसे टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। अटेंड करने के लिए दीपोत्सव काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य सेलिब्रेशन होता है इसका, लाइक मतलब अमेजिंग। मैंने इसके पिछले रिकॉर्ड्स वीडियोज़ वगैरह देखे हैं, तो इस बार मैंने कहा कि इस बार मैं भी जाने वाला हूँ, तो मैं रेडी हो गया हूँ। सारा कुछ रेडी हो चुका है और यहाँ से निकलने की तैयारी हो। ज़्यादा कुछ नहीं लेना, बस थोड़ी बहुत सामान लेनी है और सुबह रेडी होकर हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे बस पकड़नी है, उसके बाद लखनऊ पहुँचना है, ट्रेन पकड़नी है, वहाँ से निकलना है। तो मिलता हूँ फिर आप सबको डायरेक्ट अयोध्या में और दिखाता हूँ वहाँ की दीपावली। अयोध्या में और वेट कर रहे हैं माननीय श्री हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का, और अभी रास्ते से इसी रास्ते से यहाँ से निकलने वाले हैं। बस अभी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि रोड भी क्रॉस नहीं कर सकते, बस यहीं पे खड़ा हूँ और वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ चांस मिलेगा वहाँ पे जाने का, वेट कर रहा हूँ। अभिषेक है मेरे साथ। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, सब लोग यहाँ मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं, साथ में क्रिकेट का भी आनंद ले रहे हैं। इंडिया जीत गया भाई, इंडिया जीत गया, दिवाली का तोहफा दे दिया। दिवाली का तोहफा दे दिया अच्छे से। और ये लो अपनी इंडिया मैच जीत चुकी है भाई साहब, गजब मजे आ गए, इस दिवाली का बोनस एक मिल गया। किनारे यहाँ पे दीपोत्सव का पूरा तैयारी चल रही है, हम लोग दूसरी तरफ हैं और यहाँ पे दीप वगैरह सारे जलाए जा रहे हैं और भीड़ तो पूछो ही नहीं, भीड़ बहुत ज्यादा है। यहाँ पे हर जगह ये चल रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ है आई थिंक, ये चीज़ मीडिया में बाद में पता चलेगी कब जाके ये हुआ है। अभी कई दिए बाकी है जो जलाने बाकी, यहाँ पे शुरू हो गए हैं, जला भी नहीं। ओके मास्टर, इस बार की दीपावली एकदम बिल्कुल हमेशा की जो दीपावली उससे बिल्कुल ही अलग, अमेजिंग, घाट पर दिए ही दिए, मज़ा ही आ गया। और अभी यहाँ पे हम लोगों ने दिए जलाए,
आई थिंक इस बार जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो भी ब्रेक हो चुका है, जो लास्ट टाइम था वो भी ब्रेक हो चुका है जिस हिसाब से ये चले। ये तो एक पोर्शन है, इसके जस्ट अलग वहाँ पे और भी है, मतलब और जितने भी घाट हैं सारे घाटों में चलाए गए एक साथ। बस में आज तक का सबसे ज़बरदस्त लेजर शो यहाँ पे देखा, मज़ा ही आ गया यार। अभी जा रहे हैं वापस यहाँ से रूम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आज करीब 3:30 बजे यहाँ से निकल चुके थे, हालत ख़राब हो गई। अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया, अब जो भी होगा कल देखेंगे कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं जाना है। मे भी हो सकता है शायद मैं मॉर्निंग पे यहाँ आऊँ और उसके बाद फिर देखो राम मंदिर भी जाता हूँ, आसपास जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करने की होंगी वो भी एक्सप्लोर करूँगा। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, चलता हूँ मैं, बाय।
Hey guys, good morning. और आज है हमारा यहाँ अयोध्या में दूसरा दिन, तो रेडी हो चुके हैं, यहाँ से निकलने वाले हैं और आज हम जाने वाले हैं हनुमानगढ़ी और रामलला, यानी कि जहाँ पे श्री राम भगवान का मंदिर बनने वाला है और शायद दशरथ महल भी जाने वाले हैं। और यहाँ से निकलते हैं, अभी रेडी हो चुके हैं फाइनली। और अभिषेक कैसे हो, रेडी हो चुके हो? चलो चलो चलो, सब अपने हथियार वथियार रेडी कर लो और यहाँ से निकलते हैं, आसपास की चीज़ें देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और क्योंकि आज दिवाली का दिन है, वैसे विश यू हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आज जो दुकानें सुबह खुली थी वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गई, तो अब ये हम लोगों के सामने दिक्कत आ रही है कि हम लोग खाना अभी कहाँ खाएँगे। तो ये चीज़ ध्यान दिया जा रहा है कि अभी जाके कुछ ना कुछ अरेंज करके शाम के लिए रख लेते हैं, नहीं तो फिर भूखे रहना पड़ेगा सारा। खैर अभी चलता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है, हम लोग लेट हो चुके हैं पहले से ही। ओके निकलते हैं। गेट बंद हो चुका है, अभी यहाँ पे बैठे ही हैं, गेट ओपन हो रखा है। तो भाई साहब मंदिर परिसर में मुझे मिल गए हैं शेष नारायण, क्या बोले, शेष नारायण शुक्ला जी, तो ये मंदिर परिसर में यहीं पे रहते हैं, बड़े बढ़िया आदमी हैं। अभी हम सब यहाँ पे बैठे हैं और इनसे बातचीत चल रही है यहाँ के बारे में, कैसे क्या है, ये कब से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जब तक बैठे हैं तो यही कर रहे हैं। तुम पढ़ाई करते हो? कहाँ पे पढ़ते हो? संस्कृत में पढ़ते हो? कहाँ से, कौन सा विद्यालय है? तुम्हारे घर के पास? कौन से कक्षा में हो? कक्षा नाइन्थ। अच्छा नाइन्थ में, क्या बात कर रहे हैं यार, तुम्हारी तो एज नहीं लगती अभी नाइन्थ वाली। अच्छा बहुत सही है, 14 साल की है। चलती है, ये चलती है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में, तो कोई भी आए कैसा भी खाए कितना भी खाए आराम से खाता रहे यहाँ पे। बस ये है कि वेस्टेज ना करें, अपना आराम से खाए, इसके बाद जाए बर्तन जहाँ पे रखने होते हैं वो चीज़ रख के फिर आराम से जा सकता है, ये कभी भी चलता है। ये है रामलला मंदिर जहाँ पर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने वाला है। और ये है राजा दशरथ महल। मान्यताओं के अनुसार दशरथ जी ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। यह महल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में तब्दील हो चुका है।
और इसके बाद हम पहुंच गए सरयू नदी के तट पर दिवाली मनाने के लिए। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।